earth infrastructures. दिल्ली में डिफेंस एक्सपो चल रहा है और डिफेंस एक्सपो में रोबोट से चलने वाली गाड़ियां सबके आकर्षण का केंद्र है. नीरज राजपूत की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको. ऑटो एक्सपो जो ग्रेटर नोएडा में चल रहा है, कई तरह की गाड़ियां वहां पर डिस्प्ले की गई, नई नई गाड़ियां लॉन्च की जा रही हैं. और दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा है डिफेंस एक्सपो, जिसमें डिफेंस के रिलेटेड गाड़ियां रखी गई हैं. इतनी गाड़ियां हैं, खास तरह की गाड़ियां हैं. इस तरह की गाड़ियां यहाँ पर देखिए, इस तरह की डिजाइन वाली गाड़ियां हैं, अलग तरह के टायर हैं यहाँ पर, ये देखिए. और ये जो पत्थर रखे गए हैं, दरअसल ये इसी तरह की टेरेन के लिए बनाई गई है कि ऐसी जगह पर जहाँ पर गाड़ियां अमूमन जो आम गाड़ियां होती हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं, ये गाड़ियां पहुंचती है. ये देखिए इस गाड़ी के टायर देखिए यहाँ पर, ये देखिए. और ये गाड़ी रेगिस्तान के लिए, पथरीली जगह के लिए और दलदल वाली जगह के लिए ये इस तरह की बनाई हुई है. हम लोग यहाँ पे जो डिस्प्ले किया गया है वो डिफेंस एक्सपो में इस तरह की गाड़ी को किया गया है. ऑल टेरेन व्हीकल किया जाता है, खासतौर से आर्मी और जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं इस तरह की गाड़ी इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि घने जंगलों में काम करना होता है, पहाड़ों पर उनको चौकसी रखनी होती है, और साथ ही जैसे रन ऑफ कच्छ है भारत का, उस तरह की दलदल वाली जगह पर भी उनको चौकसी रखनी होती है, निगरानी रखती होती है कि दुश्मन कहीं वहां पर ना आ जाए. और उसके लिए क्योंकि पैदल वहां जाना मुमकिन नहीं होता है, अब जो जीप या और दूसरी कारें होती हैं वो जा नहीं पाती हैं, उसके लिए खास तरह की डिजाइन की गई है ये गाड़ी बनाई गई है. इनको एटीवी कहा जाता है, ऑल टेरेन व्हीकल्स कहा जाता है. और ये गाड़ियां डिफेंस एक्सपो में जो डिस्प्ले की गई हैं, पोलारिस कंपनी है उसने ये तैयार की हैं, अमेरिकन कंपनी है. और ये गाड़ियां यहां पर इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस के लिए और पुलिस के लिए दी जाएंगी. और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद पोलारिस के एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, पंकज दुबे हैं, उनसे बात करेंगे. सर, ये गाड़ियां किस तरह से अलग होती हैं जो अमूमन जो हम सड़कों पर देखते हैं गाड़ियाँ, ये कहाँ इस्तेमाल की जाती हैं, कि क्या इनकी स्पेशलिटी खासियत क्या है? ये जहाँ सड़कें ख़त्म हो जाएं और बहुत गड्ढे हों, जो ऐसी जगह हों जहाँ पे कि रेगिस्तान हो या पथरीला इलाका हो या समुद्र का किनारा हो, जहाँ कोई गाड़ी काम ना करे आपकी, वहाँ के लिए स्पेशली ये गाड़ी बनाई गई है. तो आप इनको देखेंगे कि ये सेम गाड़ियाँ, इनके जो टायर्स हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं कि वो पत्थरों के ऊपर, आपके रेगिस्तान के ऊपर और इवन बर्फ के ऊपर भी ये आरामी से सेम गाड़ियाँ चल सकती हैं. कुछ स्पेशलाइज्ड बहुत ज़्यादा, जैसे कि अगर सैंड या डेजर्ट हो जाता है या स्नो आ जाता है, तो उसमें हम लोग ये स्पेशल तरीके का, आप ये देखेंगे ट्रैक लगा हुआ है, ये जो टायर आप देख रहे हैं ये ट्रैक, तो ऐसे नॉर्मल इसमें टायर्स होते हैं और वो चेंज करके ये बना दिए जाते हैं. तो ये गाड़ी पावरफुल गाड़ियां हैं, 105 किलोमीटर की स्पीड ऑफ रोड कंडीशन में ये नेगोशिएट कर लेती हैं. 800 सीसी का इंजन है, आराम से आप इसमें सामान आदमी लेकर के बिल्कुल बेझिझक ऐसी जगहों पे आप जा सकते हैं जो कि आज अमूमन भारत में वो गाड़ियां हैं नहीं अवेलेबल, जिसपे आप ऐसे जगहों पे पहुंच पाएं. और प्रगति मैदान में चल रहा है ये डिफेंस एक्सपो, जिसमें डिफेंस की कुछ जो महत्वपूर्ण आने वो दिखाए गए. और आगे बढ़ने से पहले याद दिला दें आपको, आज रात 8 बजे जरूर देखिए लोकसभा चुनावों पर एबीपी न्यूज का खास कार्यक्रम घोषणा पत्र. अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स.